खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। झांसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने पैरा मेडिकल कॉलेज सभागार में उद्घाटन किया, वहीं वाल्मीकि प्रोड्यूसर कंपनी का भी उद्घाटन किया। गांधी का ग्राम स्वराज का सपना हो रहा साकार, मिल्क कंपनी की भी शुरुआत झांसी से होनी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर की जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र। तो चलिए उनसे जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये जो झांसी दौरा है वो लेकर किस हद तक मायने रख रहा है और क्या कुछ चीजों को लेकर वो वहां पहुंचे हैं। जी धीरेन्द्र जी, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंच चुके हैं और उन्हें काफी चीजों का उद्घाटन करना था आज, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी मैम, आपको बता दूं कि सारी तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी थी और सीएम साहब पहुंचे, उन्होंने उसके बाद बनली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का उद्घाटन भी किया, उसके बाद उन्होंने देर रात्रि विश्राम भी किया। जी, विश्राम के बाद उन्होंने देर रात्रि वो खाली सड़कों पर झांकी की निकली और वहाँ की कानून व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं उन्होंने प्रतीक्षालय का भी निरीक्षण किया। जी मैम, इसी के साथ महिलाओं को लेकर जो आजकल इतनी ज्यादा रेप के केसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी का कुछ सामने पक्ष सामने आया है? जी, उनने बिल्कुल इसके लिए कहा है कि महिलाओं के लिए खास तौर पर विशेष प्रकार की कानून व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे कि महिलाओं के प्रति खास तौर पर किसी भी प्रकार पर जब कोई महिलाओं को समस्या होती है तो वह पुलिस से डायरेक्ट मुखातिब हो सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र, जिन्होंने बताया किस तरह से सीएम योगी का जो झांसी दौरा है वो किस तरह से वहाँ पहुँच चुके हैं और क्या कुछ चीज़ों को उद्घाटन करने वाले हैं, किन सब चीज़ों की शुरुआत होने वाली है, ये भी बहुत अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ।